तो रोजा भी है, मैं चीनी भी नहीं खा सकती। अरे थोड़ा सा पानी डाल लो यार। नहीं नहीं मेरा रोजा टूट जाएगा। अरे मुंह में नहीं आंखों में पानी डालो यार। जाहिल औरत, मैं जरा गली का चक्कर लगा के आता हूँ। मैं मर गया हूँ। यार महमूद साहब, आपने क्या चूहे मार परफ्यूम लगाया? क्या? ओ हो, कहाँ से बुरा परफ्यूम लगाया आपने? अरे बकवास बंद करो, तुम क्या जानो, ये मैंने बहुत महंगे वाला परफ्यूम लगाया है। आपने एमएन लगाया होगा है, जो इजाज असलम ने राणा रिजवान अजमत से मंगवाया है दुबई से, मेरी कॉपी की है उसने। बढ़िया है महंगा परफ्यूम लगाने वाले, आपने जो महंगा तरीन लगाया है वो परफ्यूम है। हाँ जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही जरा वॉक कर रहे। इतनी गर्मी में आप बाहर वॉक करेंगे? अरे नबील, तुम्हें क्या पता बॉडी के लिए विटामिन डी कितना जरूरी है। मैं विटामिन डी लेने जा रहा हूँ। वैसे महमूद साहब, आप में और भी बहुत सारे विटामिन्स की कमी है, वो भी लेते आइएगा बाजार से। तुम जलते हो मुझसे नबील, यू आर अ जेलस पर्सन। मुझे लग रहा है आपको देख करके आपने रोजा नहीं रखा। अरे रोजा रखने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह घर में पड़ा हड्डियां तोड़ता रहूं और रोजा गुजार दूं। अरे मैं जवान आदमी हूं, रोजे में तो मुझे और एनर्जी मिलती है। माँ जी सुहाग बचाए। माँ जी मैं। हाँ पुत्र। माँ जी। हाँ पुत्र। ओ माँ जी, ये महमूद साहब को क्या हो गया यार? कौन महमूद साहब? आपके शोहर और कौन? अरे पुत्र क्या याद दिला दिया, उनका तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। तू निक्का सा था, मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। मेरे बाल लाल माँ जी लाल। हाँ मैंने लाल। ओ माँ जी, मैं आपके पहले शोहर की नहीं दूसरे शोहर की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ मेरे दूसरे शोहर को? बताओ क्या हुआ मेरे दूसरे शोहर को? मुझे क्या पता माँ जी, बड़े तैयार होके गाना गाते हुए निकले हैं। अभी तो मैं जवान हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा पुत्र, उन्हें हो क्या गया? ओ माँ जी, दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में मस्तियाँ लगी हुई हैं उन्हें। कंट्रोल करें महमूद साहब को, उनके हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। आप कौन बोल रही हैं? ना पहले तू बता, तू कौन बोल रही है? मैं नताशा बोल रही हूँ, महमूद से बात करवाएंगी? कौन महमूद? वही बाका और सजीला नौजवान जो इस घर में रहता है। हाय पुत्र। क्या हुआ माँ जी? तेरे लिए किसी बताशा का फोन आया। बताशा? हेलो। हेलो महमूद। महमूद, मैं कब से गैलरी में खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आए क्यों नहीं? मैं महमूद नहीं हूँ, मैं नबील हूँ। क्या कह रही थी? ओ माँ जी, ये फोन मेरे लिए नहीं, आपके शौहर के लिए आया था। क्या? हाँ, मोहल्ले की लड़कियों को घर का नंबर बांटते फिर रहे हैं जनाब। अल्लाह जी। माँ जी, आपका मियाँ हाथों से निकल गया है, आप दूसरी शादी की तैयारी करें। अपनी? नहीं नहीं, महमूद साहब की। नहीं। हाय नीला, ये क्या हो क्या? मैंने उस आदमी को क्या समझा था है? मैंने कितना वो समझा था, वो कैसा वो निकला? माँ जी, हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो, या वो लड़की झूठ बोल रही हो। हाय नहीं, तूने उनके रंग ढंग नहीं देखे, पीला रंग का कुर्ता पहन के तो फिर पर्पल रंग का कुर्ता पहन के खुशबुएं लगा के गली का चक्कर लगा रहे हैं वो। रोजे में आइटम सॉन्ग आ रहे हैं और मोहल्ले की लड़कियां उनको फोन कर रही हैं, तो अब मैं क्या करूंगी बता शकीला। वैसे माँ जी, ये सब आपका कसूर है, आपने भी तो अपना ख्याल नहीं रखा हुआ। देखिए जरा अपने आपको, महमूद साहब की बड़ी बहन लगती है। और नहीं तो क्या, और जब से महमूद साहब ने बाल लगवाए हैं वो आपसे और छोटे लगने लगे हैं। तो मैं भी बाल लगवा लेती हूँ, ठीक है? ओ माँ जी, आप अपना वजन कम करें यार। ना कैसे कम करूँ, मैं तो पहले ही बड़ा कम खाती हूँ। सैरी में भी मैंने 6 अंडों का ऑमलेट खाया था सिर्फ। ओ गॉड माँ जी, इसीलिए तो आपका ये हाल है। है? पुत्र फिर बता ना क्या करूँ। माँ जी, आप सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। इसके अलावा बता क्या करूँ? अच्छा माँ जी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो कम से कम डाइट ही शुरू कर दे। डाइट कोल्ड ड्रिंक? ओहो माँ जी, डाइट कोल्ड ड्रिंक नहीं, डाइट खाना, हेल्दी खाना। हाँ डाइट खाना तो तू जितना बोले मैं खा सकती हूँ। ओहो माँ जी, अगर आपको जवान बनना है और महमूद साहब को अपने काबू में रखना है तो डाइट खाना भी कम खाना होगा। अच्छा। हाँ चल फिर बता ना डाइट खाना कैसे बनता है। माँ जी, वो जो सामने बुकशॉप है ना, उसमें हेल्थी खानों के मैगजीन्स होते हैं। आप ऐसा करें, एक वो मैगजीन ले आए, उसमें बहुत सारी डाइट और हेल्थी खानों की रेसिपीज होती हैं, बस वो फॉलो करना शुरू कर दें, फिर देखें आप कैसे महमूद साहब से छोटी लगेंगी। वशे वशे।
नबील। जी जानू। तुमने देखा महमूद साहब बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ओ यार जानू, मैं उस शख्स को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही ठरकी है, बल्कि ठरक एसोसिएशन का चेयरमैन होता था। मैं तो उस लड़की पर हैरान हो रही हूँ, उसने महमूद साहब में ऐसा क्या देख लिया है? जानू हो सकता है उसे महमूद साहब में अपना बाप नजर आया हो, या ये भी हो सकता है कि उसे नजर ही कुछ ना आया हो। अंधी हो यार। यार माँ जी बहुत टेंशन में महमूद साहब की वजह से। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। माँ जी का क्या होगा नबील? यार माँ जी है कहाँ? आ गई। आ गई हूँ मैं। मैगजीन ले आई? हाँ, अब तू देखना मैं कैसे जवान बनती हूँ। जुलेखा खूबसूरत माँ जी। हाँ जवान और खूबसूरत बनूंगी ये देख। माँ जी ये क्या उठा कर ले आई है? पुत्र बड़ी मुसीबत से मिला है पूरे 2000 रुपए का। ओ, ये क्या है माँ जी? इसमें पतला करने वाले सूप बनाने का तरीका है। इसको पी के मैं रातों रात हसीन खूबसूरत जवान हो जाऊंगी इमरान। ओ माँ जी देख ले यार, कोई उल्टा सीधा ही ना हो जाए। अब तो कोई उल्टा हो या सीधा, आज इफ्तार में मैं ये सूप जरूर पीऊंगी, कसम है मेरे ऊपर। हाँ जी देख लेना फिर तुम। यार नबील माँ जी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हैं? मेहनत कर, हसद ना कर। शट अप नबील। ओके चल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। मोमो यार तुम अफ्तारी में क्या बना रही हो? मैं अफ्तार में कुछ भी नहीं बना रही। क्या? हाँ आप अपना अफ्तार ना बाहर से लेकर आएंगे खुद। क्यों भाई, क्यों नहीं बना रही हो अफ्तारी? बस मेरी मर्जी। ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं अपने लिए जादू का सूप बना रही हूँ। चले दौड़ जाए दसी, चले शाबाश मोमो, चले चले। यार नबील की तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया यार, अफतारी का टाइम हो गया और अभी तक उसने अफतारी नहीं बनाई है। महमूद साहब यार ये आपका और माँ जी का पर्सनल मामला है, मैं और खूबसूरत वैसे भी बाहर जा रहे हैं अफतारी के लिए। अरे तो मैं अफतारी कहाँ करूँगा यार? आप मस्जिद में कर लीजिएगा, सड़क पे चले जाइएगा, कोई ना कोई अफतारी करा देगा आपको। ओके बाय। क्या? अरे सायरन हो गया, देर हो गई। अरे मोमो ने तो एक खजूर भी नहीं छोड़ी। ओहो अरे सूप, चलो सूप से रोजा खोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم اني لا قسم تو باب کامن تو والے کے توکل تو والا رس کے کافتر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی سوپ تو اچھا بنایا اس نے شکر الحمدللہ ماما میرے لیے افطاری نہیں بنائی تھی نا تم نے अब पियो तुम सूप, ने सारा खत्म कर दिया है। अरे 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 तू कौन है? अरे मोमो क्या हो गया? नीम 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 नीम। हाय पुत्र नीम, पुत्र नीम दरवाजा खोल, पुत्र दरवाजा खोल नीम। ओ माँ जी क्या हुआ? पुत्र मेरे कमरे में वो आ गए। वो क्या? वो क्या वो माँ जी? मोमो ये मेरे कमरे में ये आ गए। ओए तू है कौन और मेरी माँ के कमरे में क्या कर रहा था? तू जानता नहीं है मेरे गुस्से को, मेरे गुस्से को जानता नहीं है? मैं महमूद साहब को बुला के तेरी कुट लगवाऊंगा। महमूद साहब, महमूद। तुम लोगों को मैं ही महमूद हूँ, महमूद। तूने हमें अंधा समझ रखा है? हाँ हम महमूद साहब को 225 एपिसोड से देख रहे हैं, ये हमारा ही हौसला है। नबील मुझे तो ये आदमी कोई चोर वोर लग रहा है, देखो उसने महमूद साहब के कपड़े भी पहने हुए हैं। जालिम कातिल, मेरे महमूद साहब के कपड़े उतार कर उन्हें कत्ल करके तूने कहाँ दफनाया बता? अरे पागल हो गए हो क्या नबील? मैं महमूद हूँ, तुम्हारी माँ का शौहर। खबरदार जो मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की,
मेरा मियाँ तो मुझसे 20 साल बड़ा था, तो तू तो इससे भी 10 साल छोटा लग रहा है। क्या? हाँ। अरे मोमो, मैं जवान हो गया। नबील, नबील मैं लड़का बन गया, लड़का। माँ जी, मैं आज फिर कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? एक मिनट। माँ जी, नहीं तू कोई ख्वाब नहीं देख रहा? फिर ये महमूद साहब जवान कैसे हो गए यार? नबील, तुम्हें कैसे पता कि ये महमूद साहब है? हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा। अरे खूबसूरत, मैं महमूद ही हूँ, मेरा यकीन करो। अरे ऐसे कैसे यकीन कर ले? माँ जी, महमूद साहब की कुछ निशानी बताए। पता नहीं इनका ये इतना सारा, इतना बड़ा मुंह था। अब तो नहीं रहा। बाल बाल कम थे। वो भी नहीं है। और इतनी बड़ी टोन थी। इसका मतलब है तुम महमूद साहब नहीं हो। बताओ बताओ मेरे महमूद साहब कहाँ हैं? अरे यार मैं ही महमूद हूँ। इफ्तार से पहले मोमो का बनाया हुआ सूप पिया था, अब सोकर उठा तो ऐसा हो गया हूँ। तुमने मेरे हिस्से की जवानी ले ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। माजी, आप क्या कर रही हैं? हाय, मैं अब क्या करूंगी? राशिदा बताओ मुझे क्या। नबील, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक रात में महमूद साहब 20 साल छोटे कैसे हो सकते हैं। ओ जानू, ये बुलबुले है मेरी जान, कुछ भी हो सकता है यहाँ। मुझे बुढ़िया का अब क्या होगा? इस उम्र में मेरा मियो हाथ से निकल गया, इस उम्र में अब वो क्या करेगा? What's up guys? ओए महमूद, किधर जा रहा है तू? तमीज से बात करो नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब तुमसे छोटा हूँ। ठीक है, तुम मुझे मेरे नाम से मुखातिब कर सकते हो। कहाँ जा रहे हैं महमूद साहब? महमूद, मैं जरा पार्क में जा रहा हूँ वॉक करने। यू नो, महल्ले की सारी लड़कियाँ मेरा वेट कर रही होंगी। तुम बूढ़े लोग यहाँ बैठ कर गॉसिप करो, मैं चला। ओके बाय खूबसूरत। बाय महमूद साहब। इस महमूद ने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया है यार। माँ जी दोबारा सूप बनाए, इस बार सूप मैं पीऊंगा जानू। अब मैं इतनी भी मोटी नहीं कि मेरा मियां मुझे लिफ्ट ही ना कराए। अरे स्वीट हार्ट, इफ्तारी के बाद मिलते हैं ना, साथ में डिनर भी करेंगे। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने, फिर तुम्हारी गाड़ी में एक साथ जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। ओके बाय हनी, बाय। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सरगम, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। देखो मोमो, तुम मुझसे अब दूर ही रहा करो। क्यों यार, अजीब लगता है, हमारा कोई मैच नहीं है। अब तो मुझे गली मोहल्ले के लोग कहने लगे कि तुम मेरी माँ की उम्र की लगती हो। ओए माँ की उम्र की? हाँ, और आज के बाद इस बेडरूम में मैं अकेला सोऊंगा, तुम अपना इंतजाम लाउंज में करो। ओ, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं जहद। देखो मोमो, अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मैं किसी भी नौजवान खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। हाँ दोबारा बूढ़ा करने से तो रहा। ओए कुछ तो कर पुत्र, वरना मेरा क्या होगा? माँ जी, अब बस एक ही तरीका है। वो क्या? आप वो सूप दोबारा बनाए और हम दोनों वो सूप पी लें। मैं कैसे बनाऊं? वो किताब तो मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। ओ माँ जी, कुछ तो याद होगा यार, क्या क्या डाला था उस सूप में? नहीं नहीं पुत्र, कुछ भी नहीं याद है। फिर रोती रहे यार। माँ जी प्लीज आहिस्ता रोए, उसे भी तो आराम करने दे। ओ खूबसूरत, जरा एक मिनट मेरी बात तो सुनना। आई महमूद साहब। खूबसूरत, कहाँ जा रही हो तुम? महमूद साहब की बात सुनने। तुम्हें शर्म नहीं आती एक जवान आदमी से फ्री होते हुए? नबील, महमूद साहब मेरे सुसर हैं। वो पहले महमूद साहब थे, अब सिर्फ महमूद हैं। ओए महमूद, चल बे अंदर चल। खबरदार मेरी बीवी से बात करने की कोशिश की तो। माँ जी समझा ले अपने शौहर को। ओ शट अप नबील। ओके माँ जी, खुदा का वास्ता दरवाजा खोले माँ जी। ओ माँ जी, आपने खुदकुशी नहीं करनी माँ जी, और स्पेशली रोजों में तो बिल्कुल नहीं करनी। खुदा का वास्ता माँ जी, अपने आप को आग मत लगाइएगा। अगर आपने अपने आप को आग लगा ली तो फायर ब्रिगेड भी ये आग नहीं बुझा पाएगा माँ जी। चुप है, मैं खुदकुशी नहीं कर रही। तो फिर मैं वो सूप बना रही हूँ बच्चों। आपको याद आ गया माँ जी? हाँ जी। वेरी गुड माँ जी, जल्दी से बनाए। ठीक है,
बस तूने यहाँ पर किसी को ना अफ्तार तक आने नहीं देना। ठीक है माँ जी। अब मैं सूप पी कर ही बाहर निकलूंगी। माँ जी थोड़ा सा मेरे लिए बचा लीजिएगा। ओके ठीक है। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। जानू आज अफ्तारी में पिज्जा होगा और वो भी मेरी तरफ से। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए माजी को तो बुलाओ, वो किचन में क्या करनी है? अरे खूबसूरत कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, अगर वो आ गई तो हमें पिज्जा खाने को थोड़ी मिलेगा। ओए महमूद के बच्चे चुप कर जा, मेरी माँ ने वो सूप तैयार कर लिया है जिसे पीकर तू जवान हुआ था। क्या? हाँ जानू, अब मेरी माँ भी किचन से जवान और हसीन होके निकलेंगी। माजी जवान और हसीन हो ही ना जाए। अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को। वो जो अभी चलेगा वो पता होगा। पुत्र शमशीर में आ जाऊं? आ जाओ माँ जी। अच्छा जल्दी से शाबाश, अपनी आंखों पे हाथ रखो। फिर आगे बंद करो। चलो चलो चलो, मेरी आज आ रही है। आप तुम लोग अपनी अपनी ला। इसका मतलब है मैं बहुत ही ज्यादा प्यारी जवान हसीन हो गई हूँ। बड़ी प्यारी लगी हूँ इन लोगों को, अभी देखती हूँ। क्या हुआ मोमो? हाय, आप फिर से बूढ़े हो गए। फिर से बूढ़े हो गए मतलब? आप तो वो पी के जवान हो गए थे ना। अरे क्या हो गया तुम्हें, कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया तुमने? मैं ख्वाब देख रही थी। अरे अफ्तार से पहले सोगी तो ऐसे बुरे ख्वाब ही देखोगी ना। चलो अगर आप उठी गई हो तो अफ्तारी बना लो चल के। हाँ नबील और खूबसूरत बाहर गए हुए अफ्तार पर और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। तो 10 मिनट में कौन सी अफ्तारी बनेगी? अरे तो चलो फिर जो तुमने सूप बनाया उसी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। चुप। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।